नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हाल ही में महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हुआ था। 60 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। माराडोना के निधन की खबर से उनके फैंस, उनका परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके प्रशंसक अभी तक उभरे भी नहीं थे। और इसी तरह की एक और खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। खेल जगत से ही ये खबर सामने आ रही है। इटली के स्टार फुटबॉलर और 1982 विश्व कप विजेता पाओलो रॉसी का निधन हो गया है। 64 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बता दें आपको, 1982 में गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल जीतने वाले पूर्व जुवेंटस और एसी मिलान स्ट्राइकर की मौत की घोषणा इटालियन टीवी चैनल ने की है। और आपको ये भी बता दें, फिलहाल पाओलो रॉसी RAI स्पोर्ट्स के साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए थे। उनका जाना खेल जगत के साथ साथ जो लवर है, जो कि जिनको इतना पसंद है फुटबॉल, जो कि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद है लेकिन बहुत सारे लोगों की जान फुटबॉल में बसती है, तो उन फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। फिलहाल उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। बता दें आपको, रॉसी ने जुवे पर 4 साल के दौरान 2 सीरिए खिताब, एक यूरोपीय कप और एक कोपा इटालिया जीता था। रॉसी ने इटालियन नेशनल टीम के लिए 1977 से लेकर 1986 तक कुल 20 गोल किए। 338 क्लब गेम्स में उन्होंने 134 गोल किए थे। पाओलो रॉसी को अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फॉरवर्ड्स में गिना जाता था। रॉसी ने इटली के लिए 48 मैच खेले थे। तो जाहिर तौर पर महान फुटबॉलर का जो ये निधन हुआ है, इसको लेकर अब पूरे देश में मातम पसर गया है। नहीं सिर्फ उनकी इटली में फैन फॉलोइंग थी बल्कि भारत में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग उनकी थी। बहरहाल फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं है और बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण ही उनका निधन हुआ है।